एक बड़ी खबर बैठक से जुड़ी हुई, दरअसल टनल हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सीएम धामी आज करेंगे समीक्षा बैठक, 3:15 बजे सीएम कैंप कार्यालय में ये बैठक होगी। मजदूरों को जल्द निकालने पर मंथन किया जाएगा, राहत और बचाव कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी। उत्तराखंड के सभी बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो सिलक्यारा टनल में हॉरिजॉन्टल यानी कि टनल के अंदर से भी ड्रिल करके पाइप डालने की कोशिश हो रही है, लेकिन सबके बीच क्या स्थिति है आज की ये हम आपको दिखाते हैं। 3 तस्वीरें देखिए, रेस्क्यू का आज 11वां दिन है, 24 घंटे से रेस्क्यू संभव है। 24 घंटे में कहा जा रहा है 24 से 48 घंटे में मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा, और किस तरीके से मजदूरों तक जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बॉटल में भर करके खिचड़ी भी भेजी गई है, जरूरी सामान भेजा गया। देखिए इस तरीके से बॉटल में भर करके खिचड़ी जो पहुंचाई गई थी मजदूरों को, उसका भी जिक्र हम पहले कर चुके थे और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जॉगर मशीन है वो काम कर रही है। जो सुबह तक जानकारी थी उसके मुताबिक 35 मीटर तक ड्रिलिंग का काम हो चुका है और आगे सिर्फ 5 मीटर का ज्यादा हर्डल है। उसके बाद का जो 12 से 15 मीटर का जो रास्ता है उसे तय करने में आसानी होगी। ठीक है, तो तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले हम रुक करेंगे रामानुज का। रामानुज, क्या कुछ जानकारी मिलेगी अब थोड़ी देर के बाद, चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जानकारी दी जाती है, 11 बजे रखे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, स्थिति क्या क्या अगर मशीन काम कर रही है 34-35 मीटर से, क्या आगे स्थिति दिखाई दे रही है? आकुंदन, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अभी भी ऑगर मशीन चल रही है और इसी ऑगर मशीन के ऊपर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आप हमारे साथ में देखिएगा, टनल के बिल्कुल मुहाने को दिखाते भी हैं और चूंकि नीचे गड्ढा है नहीं तो मैं आपको उतर के भी दिखाता, और 60 मीटर का गड्ढा, लेकिन आप इस टनल को देखिए और इसके बाद में आपको एक एक करके इसका अपडेट देते रहेंगे। तो ऑगर मशीन की आवाज़ आ रही है, अभी भी आप टनल में देखेंगे लाइट जल रही है और यहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से पुलिस जवान वर्कर्स तमाम खड़े हुए हैं और जो इंटरनेशनल वर्ल्ड इंटरनेशनल टनल के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने सबसे पहले इस छोटे से मंदिर में माथा टेका, इसके बाद वो अंदर गए हैं। अब ये इंतजार किया जा रहा है कि जब ऑफिसर बाहर आएंगे इसके बाद में ब्रीफिंग की जाएगी आधिकारिक तौर पर कितनी पाइप गई है, लेकिन जो बताया जा रहा है वो इस समय 6 जो पाइप है वो जा चुकी है। इस तरह से तकरीबन 36 जो मीटर की ड्रिलिंग का काम था वो लगभग पूरा होने जा रहा है, यही इसकी सबसे बड़ी राहत की बात है। और जिस तरह से कल अधिकारियों ने बताया था कि NHIDCL के की जो पैच है और जिसमें सबसे ज़्यादा रुकावट की शंका है वो 20 मीटर से लेकर 42 मीटर तक है और पाइप 36 मीटर के आसपास में पहुंच चुकी है, तो मुश्किल से 5-6 मीटर का जो वो पैच है अगर उसमें किसी तरह से रुकावट नहीं आती तो ये ऑपरेशन एक अंजाम तक पहुँच सकता है। देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, इसे कहेंगे कि इस समय वर्ल्ड टनल जो एसोसिएशन है उसके जो अध्यक्ष है अर्नॉल्ड डिस्क, वो बिल्कुल ठीक सामने आपको वो नजर आ रहे हैं एक वर्कर के साथ में, वो तस्वीर आप देख सकते हैं। लगातार वो इसी तरह की मॉनिटरिंग करते हैं और वहाँ वर्कर को बूस्टअप करते हैं और उसकी जानकारी लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ा अपडेट, सबसे बड़ी खबर यही है कि टनल में लगातार ऑगर मशीन चल रही है। कुछ रुकावटें जरूर आती है मशीन को, कूलिंग ऑफ पीरियड्स होता है, फिर उसमें पाइप को जोड़ना होता है, पाइप को जोड़ने में टाइम लगता है, 2 से 2.5 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन इन सबके बावजूद भी अब 11वें दिन की जो तस्वीर है इसी को सबसे बड़ी तस्वीर कहेंगे और सबसे बड़ा अपडेट यही है कि फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार। ठीक है रामानुज, हमारे साथ बने रहे। कृष्णमोहन मिश्रा भी हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। जनरल रिटायर्ड हमारे साथ समीर जी भी मौजूद है, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन कृष्णमोहन मिश्रा का पहले रुख कर लेते हैं। कृष्णमोहन, हमें बताइए कि जिस तरीके से केंद्र ने हर संभव मदद दी है, वायुसेना की मदद मिल रही है, NDRF की मदद मिल रही है और जो भी जरूरी सामान है, टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है वो केंद्र की तरफ से मुहैया कराई जा रही है, इसी का नतीजा है कि अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटे में 41 जिंदगियां बाहर आ जाएंगी। बिल्कुल सही कहा कुंदन, सबसे पहले तो जरूरत थी कि जो भारी मशीनें हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से कम वक्त में जो साइट है वहां तक पहुंचे, और इसके लिए वायुसेना की मदद ली गई। वायुसेना
ने सबसे पहले तो अपना जो स्पेशल ऑपरेशंस के लिए उनका जो एयरक्राफ्ट है C-130J सुपर हर्क्यूलिस उसको उन्होंने उतारा और उन्होंने साइट के करीब 30 किलोमीटर दूर एक एयर स्ट्रिप थी वहां पर उसको उतारा और मशीन जिसे कम से कम वक्त में सड़क के रास्ते वहां पहुंचे। लगातार देश के दूसरे हिस्सों से भी मशीनें और जरूरी उपकरण एयरफोर्स पहुंचाती रही और जिससे कि बचाव कार्य में देरी ना हो। इसके अलावा जो एक्सपर्टीज है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो पास में यूनिट थी उसने मदद करनी शुरू की। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि आप जानते हैं कि सीमा पर सड़कों टनल्स और पुल बनाने का काम करती है या इसलिए पहाड़ों में काम करने में उसकी उसको महारत है और उसके पास बहुत कुछ इक्विपमेंट होते हैं तो जो लोकल यूनिट थी उसने मदद करनी शुरू की। DRDO की तरफ से साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की मदद दी गई। NDRF वहां पर काम पर है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 41 जिंदगियां हैं जो पिछले 11 दिन से उस सुरंग में फंसी हुई है उनको बचाना था इसीलिए सेना ने फौरन मदद करना शुरू किया। सेना ही क्यों बल्कि आप ये कहिए कि जो भी एजेंसीज हैं जो इन्वॉल्व हैं या जो मदद कर सकती है वो सारी की सारी मदद कर रही है और इसी के नतीजे के तौर पर हमने कल देखा कि हमको पहली बार सुरंग के अंदर जो मजदूर फंसे हुए थे उनका हाल मिला, उनकी तस्वीरें देखने को मिली और सबसे ज्यादा आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी कि वो सारे स्वस्थ और चैतन्य दिख रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल को पहुंचा उससे उनका मोराल बूस्ट हुआ होगा। वहां थोड़ी सी जगह है जिससे वो चहलकदमी कर सकते हैं। डॉक्टर्स उनको योग और दूसरी चीजें बता रहे हैं जिससे वो स्वस्थ रह सके, उनको उनकी ब्रीदिंग सही रहे और सबसे बड़ी बात है उनका मोराल बूस्ट होता रहे। घर वालों से बात लगातार करवाई जा रही है इसलिए ताकि उनका मोराल बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है और जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। डॉक्टर जनरल समीर सबरवाल, क्या आपको लगता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और आपको लगता है कि जो भी किए जाने की जरूरत थी वो सब कुछ किया गया है और अगले कुछ घंटों में चाहे वो 20 घंटे हो, 18 घंटे हो, 24 घंटे हो, हमें कामयाबी मिलने वाली है? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं मैं आपसे 100% सहमत हूं। जिस तरह से कि मैंने ये इसको पिछले 10-11 दिनों से मैं इसको मॉनिटर कर रहा था तो मैंने एक ही चीज देखी है कि हमारे प्रधानमंत्री से लेके हमारे मुख्यमंत्री तक और जो भी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं सारी की सारी एजेंसीज एकजुट होकर जिसे कहते हैं इनको रेस्क्यू करने के लिए एक साथ हो गई हैं। आपको मालूम है कि जहां पर हमारा ये जो अपना एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट लैंड हुआ था ये सूटेबल नहीं था लैंडिंग करने के लिए, एक बड़े जोखिम के साथ लैंड किया गया है और ये सब एक ही चीज को दर्शाता है कि हर एजेंसी चाहती है कि हम इनको जल्द से जल्द रेस्क्यू कर सकें। लेकिन यहां मैं एक चीज आप मतलब आम पब्लिक को ये बोलना चाहता हूं कि देखिए ये जो रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं बड़े डेलिकेट होते हैं, इसको हम जल्दबाजी में नहीं कर सकते, इसलिए हर मिनट हर पल वैसे तो इंपॉर्टेंट है लेकिन हम उसमें जोश के साथ में होश नहीं खो सकते। अगर 2 घंटे के बदले 4 घंटे भी लगते हैं तो हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा जो आदमी वहां ग्राउंड पे काम कर रहा है उसको नजर आ रहा है कि मेरे को यहां पर बिल्कुल सूझबूझ के साथ और धैर्य के साथ काम करना है। और सबसे अच्छी चीज जो है वो मेरे को ये लगी है कि जो हमारे जो 41 जो है बहादुर मजदूर जो वहां पे अभी अंदर हैं उनका मनोबल बहुत अच्छा है क्योंकि ये मनोबल अच्छा नहीं होता तो अभी तक इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होती। और ये एक ना केवल उनके मनोबल को दिखाता बल्कि हमारे देश के जो एक युवा का मनोबल है वो भी दिखाता है कि वो कितना आज के उच्च लेवल पे मनोबल है क्योंकि वो हमारे देश की आज एक नई दिशा है। शुक्रिया। बिल्कुल बने रहिए जनरल समीर, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूँ। रामानुज हमारे साथ मौजूद। रामानुज, कल ये कहा जा रहा था कि जो परिजन है मजदूरों के उनसे भी सीधी बातचीत कराई जाएगी, क्या बातचीत परिजनों की हुई है? क्योंकि कैमरा भी दूसरी तरफ गया था और जो परिजन है वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो अपनी आंखों से, हालांकि जी न्यूज लगातार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लगातार वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहा है, लेकिन परिजन चाहते थे कि फेस टू फेस कैमरे से कम वो देख सके अपनों को जो फंसे हैं। क्या वो व्यवस्था की गई है, क्या वो हुआ है या फिर आगे करने की प्लानिंग है? देखिए कुंदन, आपके सवाल का जवाब देते हैं, जिस तरह से सबरवाल जी ने कहा कि वाकई ग्राउंड जीरो पर जो काम होता है उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम रहती, चैलेंजेज होते हैं, लेकिन तो आप सबसे पहले इस टनल की तस्वीर देखिए, हमारे साथ में देखिएगा और आपके सवाल का जवाब देते हैं। जो इंडोस्कोपी कैमरा था उसको 2 बार इस्तेमाल किया गया, एक तस्वीर आपके हमारे सामने आई थी,
वो पहली बार इंडोस्कोपी कैमरे का इस्तेमाल किया गया, इसके बाद शाम को किया गया, उनकी सिचुएशन लोकेशन और उनकी पूरी स्थिति को जानने के लिए किस तरह से वो रेस्ट कर रहे हैं, कैसे उनको खाना पहुंचाया जा रहा है। तो इस तरह से उनको 9 बजे रात को खाना भी पहुंचाया गया था और तो इस इंडोस्कोपी कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन चैलेंज क्या है वो आपको बता दूँ। आप सपोज कीजिए जहाँ तक हमारी आपकी नज़रें देख सकती हैं इस टनल के अंदर में कितना अंधेरा है और इसके 200 मीटर के आगे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अमेरिकन अगर मशीन जो हाई बी कैपेसिटी की है वो ड्रिलिंग का काम कर रही है, उसी के बगल में ये लाइफ लाइन की जो पाइप है जो 6 इंच की है और वो बगल में है, तो ऐसे में वहाँ जा करके वहाँ तमाम तरह के मतलब कि कहीं डस्ट भी है, धुआं भी है, अंधेरा भी रहता है और अगर मशीन भी चलती है, इन सब के बीच में परिजनों से बात करवाना और उसके उसके बीच में ये सब होना, ये वाकई सोचने में तो किस तरह से होगा। आप इसको अंधेरे को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं, फिलहाल वहाँ अंधेरा नहीं, लाइट जल रही है, लेकिन इन सबके बीच बात कराई जाती है, परिजनों से लगातार बात कराई जा रही है। इस वक्त कोई यहां पे आ नहीं रहा जहां पे पूरे कैमरे का रेंज है, नहीं तो आपको मैं दिखा थैंक यू जस्ट गुड मॉर्निंग। अभी बाहर निकल गए क्या गाड़ी को? इसे पकड़ो यार। चलिए अब कृष्ण मोहन मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद, मनोज मैं लौटता हूँ, दरअसल जो एक्सपर्ट हैं उनसे हम बाइट लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बातचीत खत्म हो गई है। कृष्ण मोहन बताइए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जो हैं लगातार तीसरे दिन मुख्यमंत्री धामी से बातचीत कर रहे हैं, ये दिखाता है कि देश जो है मजदूरों के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री जब बैक टू बैक 3 दिन से मुख्यमंत्री धामी से बातचीत कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि देश उन 41 मजदूरों के साथ खड़ा है और हर संभव कोशिश कर रहा है। सेना, वायुसेना और तमाम ग्राउंड पर जो भी एजेंसियां इसमें एक्सपर्ट है, चाहे विदेश से टनलिंग एक्सपर्ट को बुलाने की बात हो, सब कुछ किया जा रहा है। बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और जैसा कि जनरल साहब बता रहे थे कि ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशंस में वक्त लगता है और उसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती, क्योंकि जैसा हमने शुरुआत में देखा था कि जब टनलिंग करने की कोशिश की गई तो मलबा लगातार गिरना शुरू हो गया था और उसकी वजह से टनलिंग का काम रोकना पड़ा था, फिर दोबारा कोशिश की गई दूसरी जगह से, तब भी मलबा गिरता रहा। तो डर ऐसे में ये होता है कि जो रेस्क्यू करने वाली टीम है वो कहीं जो लोग हैं उन्हीं के लिए किसी परेशानी का सबब न बन जाए, क्योंकि पहाड़ के इलाके डेलिकेट होते हैं जब आप टनल बनाते हैं। अब एक बार अगर टनल गिर चुकी है तो उसके बाद जैसे ही आप दोबारा टनल बनाने की कोशिश करेंगे तो वो मलबा दोबारा गिर जाएगा, जैसा कि हमने शुरुआत में देखा। इसीलिए दूसरे तरीके आजमाए गए और अब ये कि पाइप के जरिए उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, पाइप के जरिए उनको खाना दिया गया, पाइप के जरिए उनसे संपर्क स्थापित किया गया। मेरा ख्याल यह है कि सबसे मुश्किल वक्त अब बीत चुका है, क्योंकि पहले तो हमको यही नहीं पता था कि उन मजदूरों की स्थिति क्या है, लेकिन अब पूरे देश को ये पता है कि उन मजदूरों को खाना प्रॉपर मिल रहा है, उनकी तबीयत सबकी ठीक है, सबकी तबीयत, सबका मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है, बहुत जीवन का काम है। आप सोचिए कि आप हफ्तों तक एक ऐसी जगह में फंसे हुए हैं, एक हफ्ते से ज्यादा वक्त तक, और आपको ये ना पता है आपके साथ क्या होने वाला है, आप बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, बाहर से संपर्क कर दिया है, ऐसे में अपने जीवन को बनाए। मनोबल का जिक्र किया तो मनोचिकित्सक हमारे साथ जुड़ गई हैं, डॉक्टर ईशा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ईशा सबसे पहले बताइए कि इन 11 जो 41 जो मजदूर हैं 11 दिन से फंसे हुए हैं, इनका मनोबल कैसा है? ऐसा लग रहा है कि चट्टानों के बीच में ये काम करे तो, और इनका मनोबल भी चट्टान जैसा रॉक सॉलिड दिखाई दे रहा है, इस वजह से जो हमने तस्वीरें कल सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर दिखाई, उन तस्वीरों में सभी का मनोबल हाई दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल अप्रिशिएबल है इनका जो मनोबल है, रॉक सॉलिड, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि 11 दिन तक एक अंधेरी जगह में फंसे रहना जहां आपको ये ना पता हो, इतनी अनसर्टेनिटी हो कि कैसे क्या होगा आगे, प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो कर रहा है मगर 11 दिन बहुत लंबा समय है एक ऐसी जगह में जहां आपकी हर चीज लिमिटेड है, अंधेरा है, खाना पहुंचाया जा सकता है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, उसके बाद भी जो इन लोगों के चेहरे हैं, जिस तरह से वो आए हैं आगे, उससे पता चलता है कि जो ये मजदूर है वो हमारे देश का बल है और कितने ये लोग मनोबल अपना बढ़ा के सब चीजें फेस कर रहे हैं और इस उम्मीद में कि किसी ना किसी दिन जल्दी ही ये लोग बाहर निकलेंगे इस सिचुएशन से। क्या दिमाग में चल रहा होता है जल्दी से बता दीजिए, जब आपको पता है कि आप करीब 50 से 60 मीटर मलबे के पीछे फंसे हुए हैं, लेकिन अब उन्हें कम से कम ये पता चल गया कि देश उनके साथ खड़ा है, तमाम एजेंसियां आपके लिए काम कर रही है, तो दिमागी तौर पर मनोबल में क्या चल रहा होगा, दिमाग में क्या चल रहा होगा डॉक्टर ईशा?
देखिए अगर हम एक इंसान को असेस करें, हम अपने सिचुएशन में ही सोचे कि हम एक ऐसी जंगे में फंसे हैं, इतना नीचे फंसे हैं, अंधेरा है, कुछ अभी ये एग्जैक्ट सर्टेनिटी नहीं है, ये उम्मीद नहीं है, पता नहीं कैसे क्या होगा आगे। 11 दिन बहुत, 2-3 दिन आदमी उम्मीद रखता है, होप करता है ठीक हो जाएगा हो रहा है, बट 11 दिन जब बीत जाते हैं अंदर ही अंदर जो फीलिंग्स है, जो उम्मीद है वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। आदमी को ये लगने लगता है आगे क्या होगा, उस अनसर्टेनिटी की वजह से आदमी को कुछ एंग्जाइटी, कुछ डर, घबराहट, इस दहशत वाली चीजें जरूर मन में उत्पन्न होती है। बट जिस तरह से इन मजदूरों ने अपना मनोबल बनाए रखा है, जिस तरह से चित्र आ गया है उसको देख के लगता है कि ये लोग आपस में जो इनकी बॉन्डिंग है, जो एक दूसरे को टीम, ये लोग वहां जुटे हुए हैं और इस होप में है कि हम रेस्क्यू होंगे ही, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। जनरल समीर, हमें बताइए सर कि जो रेस्क्यू में सेना के जवान लगे हैं, एनडीआरएफ चूंकि डायरेक्ट तौर पर लगी हुई है, तो वो किस तरीके से प्लानिंग करते हैं ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन में, जहां पर आपने भी कहा मिनट मिनट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब कम से कम वो मिनट की अहमियत तो है, क्योंकि अब वहां पर ऑक्सीजन तो जा रही है और खाना सप्लाई भी अब हो रहा है, क्योंकि 6 इंच का जो मोटा पाइप है वो जा चुका है, वहां से लाइफ सपोर्ट वहां से दिया जा रहा है एक तरीके से, उसे कहा जा रहा है, तो किस तरीके से एनडीआरएफ और चूंकि ग्राउंड पर वही काम कर रही है, वो किस तरीके से काम करी होगी और क्या प्लानिंग एनडीआरएफ करती है सर? देखिए, जो जब भी एनडीआरएफ को ऐसा कोई काम करना होता है तो सबसे पहले वो देखते हैं कि वहां का स्ट्रक्चर कैसा है, और क्योंकि वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो हमारे जो इधर के जो माउंटेन्स हैं ये अभी भी स्टेबल नहीं है, तो जब ये ऐसे जो यंग जो माउंटेन्स हैं जो कि स्टेबल नहीं होते तो हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है ये देखने के लिए कि भाई हम जहां से भी रेस्क्यू का वो करें वो बिल्कुल मेटिकुलसली प्लान्ड हो, और कौन से अप्रोच करें, चाहे उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगे लेकिन वो हमें 100% रिजल्ट्स दे, और उसी बेसिस के ऊपर ही एनडीआरएफ जब काम करता है तो वो देखता है कि 100% सेफ्टी, 100% सिक्योरिटी एंड 100% सक्सेस, और इन्हीं 3 बेसिस 100% के ऊपर ही आदमी काम करता है। और अगर आप देखें तो पिछले 10 साल का हमारा ये रिकॉर्ड रहा है कि हमारा कोई भी, चाहे वो सिविलियन हो या फौजी हो, कहीं भी देश में विदेश में कहीं भी फंसा है, हमने 100% उसको रेस्क्यू करके लेके आए हैं। हाँ। और वो भी एक, जिस तरह से मैडम बता रही थी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि जो भी अंदर मजदूर हैं उनको पता है कि देश हमारे साथ है और हमें जरूर निकालेगा। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का, सहयोगियों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो जो अंदर 41 मजदूर फंसे हैं उनका मनोबल भी रॉक सॉलिड है, और देश ने भी ठाना है कि इन 41 जिंदगियों को बचाना है, और बचाने का प्रयास 11वें दिन भी जारी है, और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इस रेस्क्यू ऑपरेशन जुड़ा हुआ हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करें। फिलहाल